माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल टुडे। होप्स आप सही हो। पहले मैं कह दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। नीचे के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? बहुत दिनों बाद आप लोगों से बातचीत हो रही है। ना तो मैं आजकल लाइव आ रही हूँ, ना ही आजकल मैं वीडियो ज़्यादा डाल रही हूँ। एक्चुअली मैं बिज़ी हूँ। बिज़ी क्यों हूँ? क्योंकि मैं कुछ रिसर्च पे लगी हूँ अपने मतलब अपने इसी काम के ऊपर मैं कुछ रिसर्च कर रही हूँ। और आज जो आप मेहंदी देख रहे हैं, जो मैं मेहंदी यूज़ कर रही हूँ, ये एक्चुअली हेना आर्ट पैशन हेना पाउडर से बना के मैंने इसको यूज़ किया है। और ये काफ़ी हद तक मैं अब तक प्रोपोर्शंस ठीक नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए कलर कुछ खास आ नहीं पा रहा। जब आएगा तो मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ अभी, इसी बारे में मैं रिसर्च चला रही हूँ कि कैसे अच्छा से हेना पेस्ट बनाया जाए। बहुत सारे वीडियोज़ देख चुकी हूँ ऑलरेडी, और लोकल जो टिप्स होते हैं वो भी लिया है। तो बहुत सारा चीज़ करने के बाद और बहुत सारा सामान मैंने यूज़ करने के बाद कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो मेहंदी पेस्ट जो है वो तो परफेक्ट बना है, आप लोग देख सकते हो, तभी मैं इससे इतनी अच्छी तरीके से मेहंदी बना सकती हूँ। देख रहे हो, जो मार्केट से मिली हुई मेहंदी होती है कंपनी वाली, वैसी ये मेहंदी भी थी। और बहुत ज़्यादा तो रंग नहीं दिया, मगर काफ़ी हद तक रंग आया है मेरे को। और मैं आगे भी कोशिश करती रहूँगी कि मैं परफेक्ट जब बना पाऊँ तो वो रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। आज का मेरा डिज़ाइन जो है वो बस एक टेस्ट है, डेमो था कि मैं मेहंदी पेस्ट जो है मैंने ठीक ठाक बनाया है कि नहीं, वो कौन सा ठीक ठाक आ रहा है या नहीं। इसलिए तो ये कम्प्लीटली राजस्थानी मेहंदी है और उसको छाना हुआ है। मैंने पहले ही आप लोगों के साथ हेना पाउडर का जो रिव्यू है मैंने दिया था आप लोगों को, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पेस्ट बना है। भले ही इसको मैंने बहुत बार छान के उसके बाद उसको स्टेन करके बहुत कुछ किया है इसके साथ। तो आज का मेरा मोटिव यही था कि इसको पेस्ट को जो है मेहंदी पेस्ट को मैं टेस्ट करूं। तो इसीलिए छोटा सा गल्फ पीकॉक स्टाइल डिज़ाइन मैंने बनाया है। ये फुल हाथ को कवर करता है। अभी वेडिंग सीज़न आ रहा है, तो अब इस वेडिंग सीज़न में अब लोग इसको कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि ये दो एलिमेंट्स के साथ, एक तो गल्फ फ्लावर और दूसरा गल्फ लीफ, इसके साथ मैंने पूरा डिज़ाइन किया है। बस एज ए कर्व एलिमेंट मैंने यहाँ पे पीकॉक यूज़ किया है और पीकॉक को मैंने डेकोरेशन किया है। तो बहुत इजी सा डिज़ाइन है, सब लोग इसको कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने थोड़ा बहुत फ्रिल फ्लावर का यूज़ किया है और डॉट का यूज़ किया है। बाकी यहाँ पे कोई सख्त एलिमेंट नहीं है या मुश्किल एलिमेंट नहीं है। तो होप आज का वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, सबका सपोर्ट पाके मैं बहुत खुश हूँ। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड मुझे काम करने का मोटिव मिल रहा है। तो अभी कुछ दिनों से आर्ट ब्लॉक था, अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियोस डाल पाऊँ। तो थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए, मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ऐसे बने रहिए, अब मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।